हाल ही में दोस्तों एप्पल ने अपने एप्पल आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में पिल नोस शेप वाली नोस यहाँ पे दी है और दोस्तों उसे यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड का नाम दिया। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन और कस्टमाइज देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास आईफोन 14 प्रो 14 प्रो मैक्स है दोस्तों तो आपको उसमें बाई डिफॉल्ट ये फीचर देखने को मिलता है। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने किसी भी एंड्रॉइड की डिवाइस में, अगर आपके पास शाओमी की डिवाइस है या फिर आपके पास अगर एंड्रॉइड की डिवाइस है तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना। अगर आपके पास शाओमी की डिवाइस है दोस्तों तो इसके लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा। एंड्रॉइड की डिवाइस है तो ये वाली वीडियो देख लो, शाओमी की डिवाइस है तो इस वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग अपने किसी भी शाओमी डिवाइस में इस तरह नोटिफिकेशन को, डायनेमिक आइलैंड वाले नोटिफिकेशन को एनेबल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो आपको रेडमी की नई शाओमी 12 प्रो ये डिवाइस देखने को मिलता है, फ्लैगशिप डिवाइस है और इसमें आप लोगों को इंडिया वाला रोम देखने को मिलता है और आप उस फीचर्स को कैसे अपने फोन में इनेबल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने आप लोगों को एक फाइल का लिंक दिया है, सिंपली आप लोग एक फाइल को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर आप लोगों को ये वाली एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। सिंपली आप लोग इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है थीम्स ऐप और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्ट पर टैप करना है और इम्पोर्ट पर टैप करने के बाद उसको आपको प्लस का आइकन देखने को मिलता है, इस पर टैप करेंगे आप लोग और टैप करने के बाद आप लोगों को शाओमी 12 प्रो पर जाना है और जहां भी आप लोगों ने उस फाइल को सेव किए होंगे, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, आपको वाली फाइल देखने को मिल जाता है ग्रैम्पी यूआई थीम एमटीजेड। सिंपली इस फाइल को आप लोगों को सेलेक्ट करके आप लोगों को थीम पर अप्लाई यहां पर प्रोसीड कर देना है। इस वाले फाइल को आप लोग अप्लाई कर देना है। आप लोग नहीं होता है एक बार में अप्लाई तो आप लोगों को फिर से एक बार यहां पर अप्लाई कर देना है और देख सकते हैं यहां पर थीम जो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। हम लोग होम पर जाते हैं, आप देख सकते दोस्तों ये थीम हमारे फोन में अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों इस थीम को अप्लाई होने के बाद आप लोग जाएंगे अपने फोन के लॉक स्क्रीन में, तो लॉक स्क्रीन में आप लोगों को यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड की जो नोटिफिकेशन वो देखने को मिलेगा, पर अभी आपके फोन में एनेबल नहीं है। तो इसे एनेबल करने के लिए सिंपली आप लोगों को थीम वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोगों को जाना है कस्टमाइज थीम में और फिर जाना है आप लोगों को यहाँ पर लॉक स्टाइल में और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा नीचे में कस्टमाइज का, इस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद दोस्तों आप लोगों को ये वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी, आपको बाय डिफॉल्ट डिसेबल देखने को मिलेगा। आप लोगों को सिंपली पहले इसे एनेबल कर देना है, उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन मिलता है उस पर टैप करके आप लोग को नीचे वाले सेकंड वाला ऑप्शन टैप कर लेना। अगर आपके फोन में लेफ्ट साइड में नोस दिया हुआ है तो आप लोग को पहला वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपके फोन में बीच में नोस दिया हुआ है, जैसे हमारा फोन बीच में दिया हुआ है, तो आप लोग दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपके पास बीच में आपको पंच हॉल देखने को मिलता है, नॉइज देखने को मिलता है, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है और आपको लेफ्ट साइड में मिलता है तो आप लोगों को पहला ऑप्शन चूज करना है। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, उसके नीचे पे जाना है, आप लोगों को यहाँ पर जीरो देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर 100 कर देना है। 100 करने में ओके करना है, उसके बाद फिर नीचे जाना है आप लोगों को और यहाँ पर आप लोग को जो आपकी नॉइज की जो डायनेमिक आइलैंड की नोटिफिकेशन की जो पोजिशन है उसे आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। आप लोग -20 दे सकते हैं जो मैंने यहाँ पर दिया है, पर आप लोग यहाँ पर कोई भी अपने फोन की साइज के हिसाब से, अगर आपका फोन की साइज छोटा है बड़ा है तो उस हिसाब से आप जो नोच की पोजीशन है, नोटिफिकेशन की पोजीशन, उसे आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं और उसे आप लोग ओके कर देंगे। उसके बाद मैं जाता हूँ लॉक स्क्रीन पे, तो आप लोग फोन की लॉक स्क्रीन पे जाएंगे और देख सकते हैं आप लोगों को ये जो डायनेमिक नोटिफिकेशन की पैटर्न है, स्टाइल है, वो देखने को मिल जाता है। इस पर टैप करेंगे आप लोग तो देख सकते हैं सभी एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। अब आपका फोन में जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। अगर आप लोग कोई म्यूजिक वगैरह को प्ले करें दोस्तों तो वो भी देखने को मिलता रहेगा, उसे आप लोग प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, या दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन आपके फोन में आप देखने को मिल रहा है, तो फोन में जो भी नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों वो आपका लॉक स्क्रीन यहाँ पर दिखता रहे, दिखने को मिलता रहेगा डायनेमिक आइलैंड की शक्ल में। देख सकते हैं हमारा फोन में अभी दो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा था, इस पर टैप करते हैं। एक हमारा म्यूजिक वाला है जो मैं म्यूजिक अप्ले कर रहा हूँ और एक हमारा ये नोटिफिकेशन है एक्यू बैटरी का। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सभी फोन में इसे एनेबल कर सकते हैं शाओमी के फोन में। अगर आप लोग एंड्रॉइड वाले फोन में यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप लोग को एक एपीके इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं ये मेथड अभी सभी डिवाइस में काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पास कोई दूसरी डिवाइस है, आपको उस फोन में काम नहीं कर रहा है, तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को थीम वाले एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। देख सकते हैं अभी जो हमारा फोन में वर्सन इंस्टॉल है, ये वर्सन है, आप लोगों को लेटेस्ट वर्सन में अपने फोन को, यानी अपने जो थीम की एप्लीकेशन है उसे अपडेट करना होगा, तभी आपके फोन में काम करेगा डायनामिक आइलैंड नोटिफिकेशन जो आईफोन 14 प्रो में हमें देखने को मिलता है।